भगवान शिव का जो आपने भस्म रमाए हुए देखा होगा, बहुत से नागा महात्मा, बहुत से शिव भक्त, बहुत से अघोरी, बहुत से धूना लगाने वाले, तो ये जो साधना होती है क्यों लगाया जाता है, ऐसा क्या मिलता है इसको लगाने से, इसका रहस्य क्या है, क्यों इसको धारण करते हैं अपने शरीर के ऊपर। ये जो भस्म होती है इसका साइंस जो हमारे ऋषि मुनियों का है, इससे जिस जो धुना जलाया जाता है कुछ उसकी होती है, कुछ जो होती है जो भगवान शिव जो अघोरी लोग हैं, नागा लोग हैं, वो शमशानों के अंदर साधना करते हैं, जलती चिताओं के पास बैठ करके साधना करते हैं, मुर्दों की भस्म है वो शरीर के ऊपर रमा लेते हैं, मस्तिष्क के ऊपर धारण करते हैं, शरीर के ऊपर धारण करते हैं, वस्त्रों की जगह उसका उपयोग करते हैं, अपने बालों के ऊपर लगा लेते हैं, केशों में धारण करते हैं, हर जगह शरीर के पूरे हिस्से को ढक लिया जाता है। इसका रहस्य, इसका कारण, कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं, कुछ आध्यात्मिक कारण भी हैं। आध्यात्मिक कारण ये है कि हम साधारण जो लोग हैं, सांसारी जो लोग हैं, वो शमशान भूमि में जाने से डरते हैं, उनके अंदर भय होता है कि शमशान के अंदर जलती हुई चिता के पास वो जल रहा है, लाश को जला दिया जाता है, डेड बॉडी को जला दिया जाता है, पर उसके पास एकदम से भय उत्पन्न होता है, तो वो जो भय होता है वो मरने का भय होता है, वो जो डर होता है वो मृत्यु का डर होता है कि अरे कहीं मैं मर ना जाऊं। और जो महात्मा लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो इस भय से ऊपर उठ चुके होते हैं, उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता कि जो मरे हुए लोग हैं सामने जलते हुए देख रहे हैं, उनके अंदर का जो भय था मरने का कि मेरा भी शरीर नष्ट होगा, मुझे भी शमशानों के अंदर आना है, कहीं जो ये चिता जल रही है इसका कुछ मेरे ऊपर प्रभाव ना हो, किसका इफेक्ट ना हो शरीर के ऊपर, वो इन चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं, उनके अंदर निर्भयता आने लगती है। वो साधना जो करते हैं शमशानों में करते हैं, जो दोनों के पास भी बैठ करके साधना करते हैं, उनकी चेतना भी ऊपर शिव के साथ जुड़ गई होती है, आंखें बंद की ध्यान में चले गए। कुछ लोग ऊंची स्थिति के जो चलते हुए भी ध्यान में रहते हैं, तो आप देखोगे बहुत जगह भस्मारती भी होती है। भस्मारती के बारे में आपने सुना भी होगा कि जो भस्मारती के दर्शन कर लेता उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु जो महाकाल के भक्त होते हैं उनकी वैसे ही अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो कृपा निधान है, वो उनसे यम भी भागते हैं, उनसे मृत्यु भी भागती है, वो तत्व हैं जिसे मृत्यु दूर रहती है, नजदीक तक नहीं आती। लेकिन एक समय, वो एक अलग बात है, जाना तो सबको पड़ता है,
लंबे समय बाद जब शिवलोक समाप्त होगा तब जाना पड़ेगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो ये राख, इसका साइंस का क्या कारण है? जो गर्मी, जब बहुत ज़्यादा तेज गर्मी होती है, जब ये राख लगाई जाती है, वो गर्मी में शीतलता प्रदान करती है, शरीर की जो रक्षा करती है गर्मी से। और आजकल क्या, पुराने समय में मिट्टी से थेरेपी की जाती थी, दबा करके मिट्टी के अंदर राख लगा करके और कई कई दिनों तक मिट्टी से शरीर की चिकित्सा की जाती थी। उसी प्रकार से इस भस्म के द्वारा शरीर की चिकित्सा की जाती है, यानी ऐसा दशा ऐसा रोग, अगर वो भस्म उन जड़ी बूटियों से तैयार की गई है, अगर वो भस्म सिद्ध की गई है, अगर वो भस्म के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव किया गया है, वो भस्म अगर जागृत की गई है, उसको लगाया जाए तो भयानक से भयानक शरीर के रोग, चर्म के रोग और अंदर के रोग, कुष्ठ रोग, कोड वगैरह, इस प्रकार के जो रोग हैं वो समाप्त होते हैं और शरीर के ऊपर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जब हम दोनों चीज़ों का तालमेल करके देखेंगे तो हमारे जो साधु हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं, वो बहुत बुद्धिमान हैं। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र है, तेज है कि वो जान गए आने वाले टाइम में जब इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च होगा, आज भी हो रहा है, हमारी चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व के अंदर फैल रही है और हमारे आयुर्वेद को संसार मान रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो पद्धति है ये केवल ये नहीं कि एक रोग का नाश किया दूसरा पैदा कर दिया, ये वो पद्धति नहीं है। हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वो रोग को जड़ से नष्ट करती है और दूसरा रोग भी पैदा नहीं करती, ऐसी हमारी चिकित्सा पद्धति है। इसका जो प्रभाव है ये पूरे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो जो हमारे साधु महात्मा हैं, जो हमारे संत महात्मा हैं, उनका जो इफेक्ट होता है, इसी कारण से वो भस्म रमाते हैं और घूमते रहते हैं, न उनके अंदर भय होता, न उनके अंदर किसी प्रकार का मन के अंदर कि कहीं शमशान के अंदर चले गए कोई प्रभाव ना हो जाए, कहीं इधर उधर चले गए कहीं कुछ डर ना हो जाए, उनके अंदर किसी प्रकार का भी भय नहीं होता। और वो अपने वस्त्रों को उतार देते हैं और उनके अंदर वासना भी नहीं रहती, वासना का लेश भी नहीं रहता, न मन के अंदर, न शरीर के अंदर, न विचारों के अंदर कुछ भी शेष नहीं रहता। शेष रहता तो शिव शिव रहता है और शिव शिव ही उनके अंदर होता है और शिव शिव को ही जागृत करने का प्रयास होता है और वो शिव में ही समा जाते हैं।